आज 26 अप्रैल है और आज के दिन हमें उस व्यक्ति को याद करना चाहिए जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती के जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, और उसी दिन से ये क्लियर हो गया कि भारत में संविधान सुप्रीम है ना कि संसद। और ये सब जो जजमेंट थी, मेजोरिटी जजमेंट, और जिस केस को पूरा होने में 60 से ज़्यादा दिन लगे, और उसके बाद बीच में कई ऐसे इश्यू आए जिसके चलते ऐसे लगा कि शायद ये केस दोबारा सुना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब तक जस्टिस सीकरी रिटायर होंगे तब तक इस केस की जजमेंट नहीं आ पाएगी। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करते हुए अपने सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यकाल के आखिरी दिन में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट दी, और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रपाउंड किया। केशवानंद भारती केस की जब भी हम बात करते हैं तो नानी पालखी वाला के बारे में सभी लोग बात करते हैं, लेकिन उस समय के चीफ जस्टिस, और फिर केवल चीफ जस्टिस ही नहीं, उस समय जो मेजोरिटी से जो 7 जजेस थे और उसमें 3 जज ऐसे थे जिनको सुपरसीड किया गया था जस्टिस सीकरी के जो है रिटायरमेंट के बाद, तो उन सब ने वैसे देखा जाए तो सरकार की तरफ से प्रताड़ना भी झेली, लेकिन जस्टिस सीकरी जो है वो इसलिए भी उनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बार से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे और डायरेक्ट कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट हुआ, और वो पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे जो एडवोकेट से एलिवेट होते हुए चीफ जस्टिस बने, और वो इसलिए भी याद किए जाएंगे हमेशा क्योंकि उनके समय में ही उनके चीफ जस्टिस के कार्यकाल के अंतिम दिन केशवानंद भारती का केस का डिसीजन आया, और उसी दिन से ये हो गया कि भारत के संविधान में कुछ भी बदलाव हो सकता है लेकिन भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर या इसेंशियल फीचर है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, और जब कभी भी भारतीय संविधान में बदलाव किया जाएगा तो अंतिम में भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को देखते हुए ये फैसला देगा कि ये जो संविधान संशोधन हुआ है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वोयलेट तो नहीं करता है, अगर वो वोयलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड होगा, अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल अमेंडमेंट होगा, और जो भी संसद विद इन फ्रेमवर्क को बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी अमेंडमेंट लेकर के आएगी वो आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए एक बार फिर से हम सर्वमित्र सीकरी जी को याद करते हुए और उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारत के संविधान को डिफेंड करने में या एवरलास्टिंग बनाने में, उनको हमें याद करते रहना चाहिए।